तीन चार साल से एसिडिटी होती है। एसिडिटी के बाद क्या होता है कि खाना कभी भी वापस हो जाता है और सिर में दर्द होता है। सर्जरी के बाद 2 घंटे बाद ही मैं रूम निकलने लगा था और थोड़ा लिक्विड लिया, पानी भी लिया। उसके बाद रात को भी मुझे अच्छे से नींद आई। उसके बाद सुबह को मैंने ज़्यादा नाश्ता भी लिया है और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। मेरी सर्जरी को 8 महीने हो गए हैं और मैं कोई मेडिसिन ले रहा हूँ, मैं सब कुछ खा पी रहा हूँ और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे सब लोग लाइफ जीते हैं अपनी नॉर्मल, से वैसी लाइफ में जी रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार है, मैं अलीगढ़ यूपी से आया हूँ और मुझे 3-4 साल से एसिडिटी होती है। एसिडिटी के बाद क्या होता है कि खाना कभी भी वापस हो जाता है और सिर में दर्द होता है और खाना खाने के बाद सो जाऊँ तो उठना पड़ता है, बार बार दिक्कत होती है। तो मैंने बहुत लोगों को, डॉक्टरों को दिखाया अलीगढ़ में अपने जगह में, और सब डॉक्टरों को दवाई दे देते थे, गैस की और एंटासिड वगैरह देते थे। बस थोड़ा बहुत दिक्कत हुई और खाने में भी थोड़ा दिक्कत होती थी, पर दवाई से फायदा ज़्यादा नहीं पड़ता था क्योंकि ये सब दवाई देते थे तो उससे थोड़ा सा फायदा पड़ता था, पर ये दिक्कत थी। फिर मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च भी किया, उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब का एड्रेस मिला, फिर मैंने ज़्यादा देर नहीं की, फिर मैं यहाँ आ गया। फिर सर ने मुझे ये जाँच है दो एंडोस्कोप उसकी सॉरी पीएच टेस्ट और फिजियोबैरोमेट्रिक 24 आवर्स का ही पीएच टेस्ट है, तो ये करवाया। उसके बाद आज देखो रिपोर्ट आएगा इसका, सर बताएंगे, उसके बाद बताऊंगा आपको क्या हुआ। अभी ये करवाया है, उसे खाने पीने में इससे कोई दिक्कत नहीं है और सोने बोने में भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे सब बढ़िया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मेरा पीएच स्टडी और 24 आवर्स का टेस्ट हुआ है, तो सर ने बोला कि इसको करवाने के बाद पता चलेगा कि दिक्कत क्या है, कितनी दिक्कत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं। तो रिपोर्ट में आया कि रिफ्लक्स बहुत हो रहा था मेरा, मतलब 84 टाइम्स रिफ्लक्स हो रहा था। सर ने बोला कि दवाइयों से फायदा पड़ेगा पर थोड़ा बहुत, क्योंकि सर्जरी आपको करवानी पड़ेगी, तो सर ने सर्जरी का सजेस्ट किया। फिर मैंने कुछ दिन बाद सर्जरी करवाई, तो कल मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी के 2 घंटे बाद मुझे होश आया, सुबह 7:30 बजे मेरी सर्जरी हुई, उसके बाद 10 बजे करीब मुझे होश आ गया। उसके बाद 2-3 घंटे बाद मैं चलने फिरने लगा, थोड़ा लिक्विड लिया, जूस लिया, पानी वानी भी लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, चलने फिरने में भी कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। तो अभी मैंने सुबह थोड़ा नाश्ता किया है सुबह भी, और बाथरूम भी खुद ही जा रहा हूँ, पैर फिर रहा हूँ, आपसे बात कर ही रहा हूँ, इसकी खास दिक्कत नहीं हो रही। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी 2 दिन पहले सर्जरी हुई है, सर्जरी के 2 दिन बाद मैं फॉलोअप के लिए आया हूँ, और इन 2 दिनों में मुझे सब बढ़िया रहा, खाने पीने में कोई चले दिक्कत नहीं आई और नींद भी बढ़िया आई। उसके बाद मैं अर्सल दिखाने आया हूँ, आज ड्रेसिंग होनी है मेरी और आज बेचारा घर चला जाऊँगा, छुट्टी होगी मेरी। हेलो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरा 8 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था और 8 महीने के बाद मैं आज फॉलोअप के लिए आया हूँ सर को दिखाने के लिए। तो अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं अपना सब काम सही से कर रहा हूँ, और मतलब 8 महीने पहले जो मुझे दिक्कत थी ऑपरेशन से पहले, खाना खाने में दिक्कत होती थी, खाना खाने के बाद तेजाब सा बनता था, ऊपर को आता था, उसके बाद मैं सोता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे गले में कुछ आ गया है। उसकी मैंने बहुत दवाई की, इधर उधर बहुत देखा, और मैंने एक बार फिर यूट्यूब पर सर्च किया उससे पहले भी, तो डॉक्टर साहब से मैं मिल गया, आया एक बार, सर ने एक बार फॉलोअप के लिए उसके लिए सॉरी सर ने एक बार चेकअप के लिए सजेस्ट किया, मैंने चेकअप करवाया, चेकअप में एसिड ज़्यादा आ रहा था, एसिड बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा था, तो सर ने ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया। फिर मैंने सर कहने पर ऑपरेशन करवाया, तो ऑपरेशन के बाद फिर 8 महीने तक मुझे कोई दवाई एंटासिड नहीं लेनी पड़ी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सर से आकर जरूर मिले किसी को अगर ऐसी दिक्कत हो, और मुझे अभी काम वाम करने में कोई परेशानी नहीं है, मैं सब काम अपने आड़ से ही कर रहा हूँ, कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, सब एकदम बढ़िया है।